Go.
सर सच न्यूज में आपका स्वागत है। सर हमें एक चीज बताएं कि गणेश उत्सव का जो प्रोग्राम है ये यहाँ कब से और कब तक मनाया जाएगा? देखिए, ये पहले तो मैं यही बताना चाहता हूँ, ये हमारी जो धरती है ये ऋषि मुनियों की धरती है। यहाँ पे बड़े बड़े साधु संत आए, ऐसे ही हमारे यहाँ पे बाहर से एक संत आए थे खड़े महाराज जी, उन्होंने यहाँ पे आज से कोई 18 साल पहले ये परंपरा यहाँ पे शुरू करी गणपति जी को बिठाने की। ये वैसे तो ज़्यादातर महाराष्ट्र में इसको सेलिब्रेट करा जाता है, बट यहाँ पे 18 साल से आप कंटिन्यू हर साल हम लोग भी यहाँ पे गणपति जी को बिठाते हैं, पूरे 10 दिन के लिए यहाँ बिठाते हैं। फिर 17 तारीख को अभी इनका विसर्जन होगा, 7 तारीख को अभी हमने गणपति जी को लाया था, ठीक है, पूरे ढोल धमाके के साथ हमने यहाँ पे इनको स्थापना करी। और आजकल बस ऐसे ही जनता आती है, सेवा करती है और सत्संग चलता है, और आपने सुना भी होगा देशभक्ति का भी माहौल बना रहता है, ठीक है। सारे जितने भी धर्म हैं सब धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं, कोई इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक धर्म आएगा दूसरा नहीं आएगा, आप खुद भी देख रहे हैं नोटिस कर रहे हैं। तो ये चलो एक बहुत अच्छी पहल उन्होंने शुरू करवाई थी, उनकी परंपरा को हम आगे चला रहे हैं और जब तक प्रभु ने चाहा तब तक ये परंपरा चलती रहे। सर जो आज इकट्ठ मैंने देखा काफ़ी लोग आए थे, जी जी, तो आपने यहाँ खाने का प्रबंध भी किया और ये रोज़ का रहता सर कैसा? जी जी जी, ये जो है अपना अंदर तो प्रसाद का विसर्जन होता है डेली, इनको 5 किलो का लड्डू का भोग लगता है, फिर और भी लड्डू होते हैं या फ्रूट्स होते हैं, जो भी मौसमी फ्रूट है वो सारे जो भी गणेश जी को पसंद हैं सब लगते हैं। फिर बाद जो जनता आई होती है 2-4 घंटे बैठे होते हैं सत्संग में, कुछ बच्चे होते हैं थक जाते हैं तो उनके लिए भी बाहर हमने फिर स्टॉल लगा रखा होता है खाने पीने का, कुछ जैसे कभी आइसक्रीम होगी, गोलगप्पे हो गए, जो भी बच्चे लोग खुश होकर खाएँ। और आज भी लगा हुआ है, स्टॉल लगा हुआ है, कल पूड़ी चने थे, ऐसे डेली चलता है।